हेलो डियर स्टूडेंट्स, और फिर से आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ रहे थे, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्रीवियस क्लासेस में इसकी तीन एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, आज हम चौथा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और जो चौथे एक्सरसाइज में जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है उसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, और आज जो है आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड सीखने जा रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एक पहले मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, हम एक्चुअली दो तीन एग्जांपल लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग सिचुएशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है, पहला है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और दूसरा है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। एलिमिनेशन का मतलब है यहाँ x और y दो वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है आपको, और एक को मान लो हमने y को एलिमिनेट कर दिया तो x की वैल्यू हो जाती है। अब एलिमिनेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जिस तरह हम नंबर्स का एडिशन करते हैं ना, सिंपल प्लस माइनस नंबर को करते हैं, वैसे ही इक्वेशन को भी प्लस और माइनस किया जा सकता है। जैसे ये इक्वेशन एक 1 है, एक 2 इक्वेशन है। यदि मैं बोलूं इफ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या होगा, जो LHS वाला टर्म है वो LHS वाले टर्म से ऐड होगा दोनों इक्वेशन का, और ये जो RHS वाला टर्म है वो RHS वाले टर्म से ऐड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें करना चाहता हूं, इफ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ना, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, देखिए ये और ये ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई और फिर लिखेंगे x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इधर हो गया 7 प्लस 1। ये LHS और ये LHS दोनों ऐड हो गए, इधर RHS ऐड हो गया। अब देखिए क्या होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और x प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2x और इधर क्या हो गया 8, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8/2 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से ये इसके x की वैल्यू निकाल ली, सिंपल ऐड किए हम। अब ऐड क्यों किया हमने, देखिए क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, यदि इनको ऐड करोगे तो ये कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐड किया। जरूरी नहीं है कि आप ऐड करें, आप सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको करके बताया एडिशन करके, ये तो इसमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू आई एक्स। अगर आपको वाई निकालना है तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई आ जाएगा। तो अगर हम बोले ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो एक्स है 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वाई क्या हो गया 7 माइनस 4 और इट इज इक्वल टू 3। तो एक्स और वाई की क्या वैल्यू आ रही है, 4 एंड 3 आ रही है। अगर यही इक्वेशन, यही जो क्वेश्चन है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूँ, अगर सब्ट्रैक्शन से अगर मैं करना चाहूँ तो देखिए, तो अब मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट करके, तो अभी देखिए अभी हमने ये दोनों को ऐड किया था, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आपको माइनस करना है, तो ये LHS का टर्म इस LHS के टर्म से माइनस हो जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई फिर माइनस और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और इधर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन कर दीजिए, अब इसको हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 माइनस 1 6 हो गया। अब देखिए ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स करके जीरो हो गया, और वाई प्लस वाई 2y हो गया और इधर 6 है, तो y क्या हो गया y इज इक्वल टू 6/2 और y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह देखिए y आ गया 3। अब ये 3 जो y की वैल्यू है इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पे आप रखेंगे, और मान लेते हैं अगर इक्वेशन 2 पे रखते हैं तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, तो ऐसे लिखना आपको इसके बाद, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट,
तो x माइनस 3 इक्वल टू 1, अब 3 को इधर ले आइए तो ये प्लस 3 बन जाएगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो x इक्वल टू 4 आ गया। तो इसमें भी वही आंसर आ रहा, हमने प्लस करके भी किया है और माइनस करके भी किया है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्लस या माइनस से आंसर नहीं आएगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल करके हम समझते हैं। तो देखिए ये एक मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो देखिए ये तो कुछ कटेगा नहीं, इसमें से एलिमिनेट नहीं होगा, x प्लस 2x हो गया 3x, y प्लस 3y 4y हो जाएगा ये। लेकिन अगर माइनस अपन करेंगे तो अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो x माइनस 2x हो जाएगा x एंड y माइनस 3y हो जाएगा 2y, तो यहाँ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो जब आपको एलिमिनेशन मेथड करना है तो जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसका जो कोफिशियंट है सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे y एलिमिनेट करना है, यहाँ y का कोफिशियंट है 3 और यहाँ y का कोफिशियंट है 1, तो अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो इसको बनाना पड़ेगा 3, जब दोनों में कोफिशियंट 3 होगा तभी एलिमिनेट होगा। अब 3 कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम इस पूरे इक्वेशन में बोथ LHS और RHS में पूरे इक्वेशन में हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, अब आप लिख दीजिए नाउ मल्टीप्लाइंग, देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट, अगर इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस y इज इक्वल टू 7, और इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा ये इधर भी होगा, तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 3 21, ठीक है। तो ये इसको लिख देते हैं इक्वेशन 3। तो अब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो ये बन गया इक्वेशन। अब ये और ये इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ इक्वेशन 3, 3x प्लस 3y इक्वल टू 21, फिर इसके नीचे इक्वेशन 2 लिखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। अब आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, तो जिस तरह हम नंबर को माइनस करते हैं, जब आप माइनस करेंगे तो नीचे वाले टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 2x क्या हो गया x, और यहाँ पे 3y माइनस 3y 0, और इधर पे 21 माइनस 19 ये हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू निकालनी है तो ये x की वैल्यू 2 हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y कितना हो गया 5। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 2। तो अगर कोफिशियंट इक्वल नहीं है तो आपको पहले इक्वल करना है, फिर देखना है कि उसको आपको प्लस करना है या माइनस करना है, और यदि कोफिशियंट इक्वल है तो डायरेक्ट प्लस या माइनस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, उसके पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके 4 क्वेश्चन है और इन यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, अब इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए ना तो x का कोफिशियंट इक्वल है ना y का कोफिशियंट इक्वल है, तो पहले हम क्या करें, कोफिशियंट्स को इक्वल करें। तो जैसे मैं अगर y को डिलीट करना चाहता हूँ या एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ y का कोफिशियंट 3 है तो यहाँ पर मुझे 3 चाहिए, तो हम क्या करें पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट, तो यहाँ पे क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x प्लस y 3 से मल्टीप्लाई होगा, LHS और RHS दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हो गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है, अब इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करना है आपको, तो क्योंकि इनका कोफिशियंट सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है और कोफिशियंट सेम है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो इस इक्वेशन को मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और ये है इक्वेशन 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 3x प्लस 2x हो गया 5x, ये कट गया प्लस माइनस 3y, और इधर क्या बचा, ये हो गया 15 प्लस 4 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 19 बाई 5 आ रही है। अब ये x की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, 1 सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ रख के हम y निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, 19 बाई 5 प्लस y इज इक्वल टू 5, 19 बाई 5 को अब इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया 5 माइनस 19 बाई 5, और इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो ये हो गया 25 माइनस 19, और ये y इज इक्वल टू 6 बाय 5, ठीक है, तो y की वैल्यू 6 बाय 5 आ रही है और 19 x की वैल्यू 19 बाय 5 आ रही है, तो ये हुआ फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं सेकंड वाला, तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन का ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें देखिए दोनों में किसी का भी कोफिशियंट सेम नहीं है, और पहले तो हमें कोफिशियंट सेम बनाना है, तो हम क्या करें, तो ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम y को इस 2 को 4 बना सकते हैं यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम क्या करते हैं पूरे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो अब ये मैं लिख, आप जब लिखेंगे तो पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना, मैं आपको अब डायरेक्टली करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आपको लिखना है ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 बाय 2 वी गेट सो एंड सो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ कर रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा स्टेटमेंट के साथ। यहाँ जब इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2x माइनस 2y हो जाएगा, और ये हो गया 2 इंटू 2, अब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, अब इनके कोफिशियंट सेम हो गए, अब हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, तो इस इक्वेशन 1 को इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐड करना है, तो देखिए 7x प्लस 3x प्लस करेंगे तो सॉरी 4x प्लस 3x हो गया 7x माइनस 4y एंड प्लस 4y कैंसिल हो जाएंगे, और 4 प्लस 10 हो गया 7, तो x सॉरी 14, तो x कितना हो गया 14 बाय 7, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। अभी x की वैल्यू 2 आ गई है, तो अब मैं x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, और y की वैल्यू निकल जाएगी फिर, तो देखिए ये क्या हो गया 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, ये कितना हो गया 3 टू जस्ट 6, 4y इक्वल टू 10, और 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, और 10 माइनस 6 हो गया 4, ये 4 को इसके नीचे ले आएंगे तो 4 अपॉन 4 हो गया, ये कट के y की वैल्यू आ रही है 1, तो इस तरह y की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू आएगी 2, आए समझ में, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स और वाई की जो टर्म है वो एलएचएस में रखते हैं, और बिना एक्स वाले टर्म यानी कांस्टेंट टर्म उसको आरएचएस में रखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है ये सारे टर्म एक ही तरफ हो गए, और यहाँ पे देखिए यहाँ 9x है, आरएचएस में 2y है, तो इस तरीके से क्या है कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, या सॉल्व होगा तो बहुत दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये 4 को आपको राइट में ले जाना है और ये 2y को इसके लेफ्ट में लाना है, तो यही जो इक्वेशन फिर से रीराइट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये माइनस 4 यहाँ जाके प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये 2y इधर आ जाके माइनस 2y हो जाएगा। अब हम बोलेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे किसका कोफिशियंट आप इक्वल बना सकते हैं, तो यहाँ पे 2 है y में और यहाँ पे 5 है, अब 2 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे 3 है x और यहाँ पे x का कोफिशियंट सॉरी यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो हम इस 3 को 9 बना सकते हैं सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या करते हैं इसको 3 बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। जब हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 9x 3 5 इज अ 15y इज इक्वल टू 3 4 इज अ 12, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अब ये देखिए ये कोफिशियंट और ये कोफिशियंट सेम हो गया 9x 9x, लेकिन अब इसको प्लस करेंगे तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, हम 9x माइनस 9x करेंगे तभी वो जीरो हो पाएगा, तो जब आप माइनस करेंगे तो नीचे वाले सभी के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये 9x माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
और ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपको स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको, आप पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना है जब फाइनल एग्जाम में करेंगे। तो ये माइनस कर रहे हैं तो 9x माइनस 9x तो ये तो जीरो हो गया, ये 2 माइनस 2 एंड प्लस 15y तो ये क्या होगा, ये प्लस 13y हो गया। इधर देखिए प्लस 7 एंड माइनस 12 तो ये क्या हो गया, माइनस 5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 5/13, ये y की वैल्यू आ रही है। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन जो इनिशियल इक्वेशन था 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 उसमें मैं रख रहा हूँ, हालांकि इसमें भी रख सकते हैं या इसमें इसमें किसी में भी रख सकते हैं, इससे इजिली आ जाएगा इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो 9x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 15/13 प्लस 7 तो ये क्या हो गया, देखिए 9x इज इक्वल टू 2 5 10 और ये माइनस रहेगा, माइनस 10/13 प्लस 7। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। अब ये क्या हो गया, 13 माइनस 10 प्लस 13 इंटू 7, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 10 और प्लस 91 तो ये हो गया प्लस 81 अपॉन 13 और इधर 9x है। अब 9 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे आप तो ये क्या हो गया, 81 अपॉन 9 इंटू 13, अब 9 से कट जाएगा, 9 जा 81 होता है तो x क्या हो गया, 9/13। तो देखिए x की वैल्यू इसमें आ रही है 9/13 और y की वैल्यू आ रही है -5/13। अब ये देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करते हैं, x बाय 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर के फॉर्म में जो कोफिशियंट्स हैं तो अब इसको हम किसको हम एलिमिनेट कर रहे थे, देखिए मैं y को एलिमिनेट अगर करना चाहता हूँ, यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 1/3 है, तो यदि इस इक्वेशन में पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यदि इस इक्वेशन में मैं पूरे में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y/3 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा, तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ 6, ठीक है। तो ये मॉडिफाई हो गया, अब हम क्या करें, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो x बाय 2 एंड प्लस 2x, इसको ऐसे लिख लेते हैं x बाय 2 प्लस 2x, ठीक है, ये तो कट जाएगा, 2y/3 प्लस माइनस में है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 प्लस 6 हो गया 5। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम 2 है और ये क्या हो गया, x प्लस 2 2 4x इज इक्वल टू 5 और ये क्या हो गया, 5x/2 इज इक्वल टू 5, ये 5 और ये 5 कट जाएगा तो ये बचा x/2 इक्वल टू 1, 2 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, 2 अंदर 2 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू 2 आ गई है, अब हम किसी क्वेश्चन में रख दें, इसी क्वेश्चन में मान लो मैं रख देता हूँ x की वैल्यू 2 तो क्या बनेगा, 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ये कट गया, ये हो गया 1 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ये 1 को आप इधर ले जाओ तो 2y/3, ये प्लस 1 इधर जाके -1 हो जाएगा और -1 क्या हो गया, -2, तो 2y/3 इक्वल टू -2 हो गया। अब ये 3 को इधर ले जाओ आप तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 3 और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई -3। तो देखिए y -3 आ रहा है और x की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। अब आपको समझ में आया कैसे करना है, तो ये इसके 4 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट के, अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी 6 सब क्वेश्चन हैं इसके और ये उसका एक पहला क्वेश्चन है, ये सारे जो है वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इससे इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बनाना है, फिर उसको आपको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो पहले आप समझते हैं कि देखिए क्वेश्चन है क्या, इसमें क्या लिखा है, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, एक नंबर जो p बाई q के फॉर्म में है और यहाँ पे हम वो फ्रैक्शन ले रहे हैं x बाय y, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x बाय y, तो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x बाय y, यानी जो फ्रैक्शन आपको चाहिए वो है x बाय y या x अपॉन y। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x,
यदि x में हम 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और इसके डिनोमिनेटर से यानी y से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1, तो दिस फ्रैक्शन विल बिकम इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट से एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब y को आप इधर ले जाओ तो ये बन गया x माइनस y, और ये 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो पहले स्टेटमेंट से हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में हमको कुछ नहीं करना है, और डिनोमिनेटर में हम अगर एक ऐड कर दें तो ये इक्वेशन रिफ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो अब फिर से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ये y है माइनस वाई, और यहाँ भी माइनस वाई है, दोनों का कोफिशियंट सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मैं पहले सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, फिर सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ, 2x माइनस x तो केवल x बचा, ये कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई, और इधर क्या हुआ 1n प्लस 2, ये हो गया 3। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू आ रही 3, और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये 3 को इधर लाएंगे तो माइनस 3 हो गया, और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, और माइनस माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 5। तो देखिए y की वैल्यू 5 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, चलिए अब इसका हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एज वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, 5 years ago नूरी was the thrice as old as सोनू, and 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old the नूरी and सोनू are। तो जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट एज लेनी है एक्स और वाई। तो हम यहां ले लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज हम नूरी की ले लेते हैं एक्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इसको ले लेते हैं वाई। ठीक है, तो नूरी की एज है एक्स प्रेजेंट एज, और सोनू की है वाई। अब क्या बोल रहा है इसमें, 5 years अगो, अगो मतलब पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी रही होगी, तो इसमें से 5 माइनस कर दें, x माइनस 5, और 5 साल पहले सोनू की एज कितनी रही होगी, y माइनस 5। तो हम आप कंडीशन लिखते हैं 5 years अगो। ठीक है, 5 years अगो नूरीज एज इज इक्वल टू x माइनस 5, एंड सोनूज एज इज इक्वल टू y माइनस 5। सोनू और नूरी की एज 5 साल कम रही होगी। अब इसमें क्या दिया है, दूसरा कंडीशन कि नूरीज एज वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 3 गुना है। तो मतलब हम यही कह सकते हैं, ये जो नूरी की एज है x माइनस 5, ये है 3 इंटू सोनू की एज। ठीक है, नूरी की एज इक्वल टू 3 इंटू सोनू की एज, तभी हम कहेंगे ना नूरीज एज इज थ्राइस एज दीज एज द एज ऑफ सोनू। और इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो देखिए 3 को यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y माइनस 15 हो जाएगा। अब 3y को LHS में आप ले जाइए तो x माइनस 3y, और माइनस 5 को यहाँ इधर ले आएंगे RHS में तो माइनस 15, और ये बन जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 एंड प्लस 5 हो गया माइनस 10। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने एक इक्वेशन बना ली, नूरी और सोनू की एज की एक इक्वेशन, एक रिलेशन मिल गया। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गया पहली कंडीशन से,
पांच साल पहले वाली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन क्या दिया, 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या सिचुएशन होगी, तो यहां लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल बाद क्या होगा, नूरीज एज, 10 साल बाद नूरी की एज 10 साल बढ़ जाएगी, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 10। और सोनूज एज, सोनू की भी एज 10 साल बढ़ जाएगी, तो ये हो गया वाई प्लस 10। अब क्या रिलेशन क्या है यहाँ पे एक और, कि जो नूरी है उसकी एज हो जाएगी ट्वाइस, डबल हो जाएगी सोनू की एज की। अब चेंज हो जाएगा इसमें, तो नूरी की एज यानी एक्स प्लस 10 विल बी इक्वल टू डबल यानी ट्वाइस सोनू की एज, ठीक है। नूरी की एज इक्वल टू 2 इंटू सोनू की एज। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब 2y को आप LHS में ले जाएंगे तो x माइनस 2y, और ये 20, 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, और ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 हो गया 10। तो ये देखिए, ये बन गया दूसरा इक्वेशन आपके लिए। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब दो इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गए आपको। अब इसको आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन के मेथड से। तो देखिए अब हम क्या करें, तो एक है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और दूसरा है x, दूसरे को ऊपर लिख रहा हूँ, x माइनस, अच्छा रुको पहले इसको लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10 एंड x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें हम, तो हमें एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ पर x का और यहाँ पे x का कोफिशियंट सेम है, तो हम इक्वेशन दिस माइनस इक्वेशन दिस कर देते हैं, यानी नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो गया, ये तो कट जाएगा x, ये माइनस 2 एंड प्लस 3y, तो ये बचेगा केवल y, ये प्लस 10 और प्लस 10 हो गया 20, ठीक है। तो ये जो है y, y किसकी एज है, y है सोनू की एज, सोनू है 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, प्रेजेंट एज है। अब आपको नूरी की निकालनी है, तो नूरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन यूज करते हैं, x माइनस, या ये वाला यूज कर लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10, y की जगह लिखना आपको 20, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, और ये क्या हो गया, x माइनस 2 20 या 40, और ये 10, 40 को इधर ले आओ तो x हो गया 40 प्लस 10 50। तो देखिए x की वैल्यू आ रही है 50, यानी जो नूरी की एज है ये 50 ईयर्स ऑफ एज है, और जो सोनू है वो 20 ईयर्स। तो इस तरह से ये इसका आंसर आता है, आए समझ में। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे एक 2-डिजिट का नंबर है। अब 2-डिजिट का नंबर कौन सा हो सकता है, जैसे 25, 36, 52 या इस तरीके का कोई भी नंबर, एक 2-डिजिट का नंबर है और उनको जोड़ने से आता है 9। जैसे ये 2-डिजिट का नंबर है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 5, इसका आंसर आएगा 7। जैसे 3 और 6 है तो 3 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया 9। 5 और 2 है तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 7। तो इस तरीके से कोई 2 डिजिट है जिसको सम करते हैं तो आता है 9। अब वो कौन सा डिजिट हो सकता है वो हमको पता नहीं है अभी, अभी तो ये केवल सिचुएशन दी है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब सबसे पहले आप समझें कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो बनता कैसे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ 25, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा 25, इसको 25 नहीं बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वंस प्लेस में है, ये जो है ये यूनिट प्लेस में कह सकते हैं या वंस प्लेस, और इसको हम कहते हैं टेंस प्लेस, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा वो 20 कहलाता है, 20, 30, 40, 50 जो भी है, तो यहाँ पे सिंगल नंबर है यूनिट प्लेस में। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 10। जो नंबर टेंस प्लेस में है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जो नंबर वंस प्लेस में है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो 25 को हम एक्चुअली ये है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो ये है एक्चुअली वो नंबर, 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 5, आया समझ में। तो जो टेंस प्लेस में होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस के नंबर को उसमें ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे हमको यही कॉन्सेप्ट एक्चुअली लगाना है डबल डिजिट वाले नंबर पे। तो जो डबल डिजिट वाला नंबर है उसे हम मान लेते हैं, लेट द
टू डिजिट नंबर बी एक्स वाई। तो कोई दो डिजिट का नंबर है, ये नंबर है एक्स वाई, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा, हमने जो दो डिजिट का तरीका जो अभी देखा 25 के लिए उसको वैसे ही लिखा जाता है। तो जो दो डिजिट का नंबर है वो ये होगा, ये एक्स टेंस प्लेस में, तो हम इसको लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये दो डिजिट का नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये कितना है 10x प्लस वाई, ठीक है। अब ये तो वो नंबर हो गया टू डिजिट का, अब ये इसकी वैल्यू क्या है ये पता नहीं है। अब एक स्टेटमेंट दिया है कि जो दो डिजिट है इसको जोड़ते हैं, दो डिजिट को जोड़ने से आता है 9, तो दो डिजिट कौन सा, एक है एक्स और एक है वाई, तो यदि इनको जोड़ दें एक्स और वाई को जोड़ दें तो ये आता है 9, ठीक है। तो ये तो बना एक पहला इक्वेशन इस कंडीशन से। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरा कंडीशन से, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यदि इस नंबर में 9 मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर में मतलब इसमें, ठीक है, इसमें हम 9 मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या 10x प्लस वाई, इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दें, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, तो इज इक्वल टू ट्वाइस, 9 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्स का मतलब ये है, अगर 25 लिखा है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 52 हो जाएगा। अब जिस तरह अगर हमने 25 को लिखा है 2 इंटू 10 प्लस 5, तो 52 को आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 2 लिखेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें है, तो यदि ये नंबर है एक्स वाई, तो इसको ऐसे लिखा और इसको रिवर्स कर देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, और वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ इट्स रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। आए समझ में? तो इस तरीके से आपको इसका लिख के इसको इक्वेशन बनाना है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका इक्वेशन बनाना है, एक तो बन गया आपको, अब दूसरा इक्वेशन चाहिए, तो देखिए कैसे बनेगा। 9 हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 90x प्लस 9y इधर क्या हो गया, 20y प्लस 2, अब मैं x 2x है ना, हाँ 20y प्लस 2x, अब मैं x को इधर ले जाता हूँ, 90x माइनस 2x, ये 9y है, 20y को भी LHS में ले जाएंगे तो माइनस 20y एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करें, 90 माइनस 2 कितना हो गया, 88x, और इधर 9 माइनस 20 ये कितना हो गया, माइनस 11y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 11 कॉमन निकाल सकते हैं, 11 अगर निकाला तो यहाँ बचा 8x, यहाँ बचा माइनस y इक्वल टू 0, और 11 को अगर 0 में यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये बनेगा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें एलिमिनेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको यहाँ भी रब कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली ऐड कर देंगे तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा, तो देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसके नीचे ये लिखेंगे 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 8x 9x हो गया, y कट गया, और 9 प्लस 0 9 बचेगा, तो x क्या हो गया, 9/9 ये कट के 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 1, और ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y कितना हो गया, 9 माइनस 1, तो y हो गया 8, ठीक है। तो x आ रहा है 1 और जो y आ रहा है 8, तो जो ये डिजिट है हमारा ये है 18, एक्स 1 वाई 8, तो जो रिक्वायर्ड डिजिट है टू डिजिट नंबर है वो 18, उसको रिवर्स कर देंगे तो 81 हो जाता है। आया समझ में? तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000, सी आज द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मीना कोई लड़की है, ठीक है, वो बैंक जाती है और 2000 रुपये का विड्रॉल फॉर्म भरती है, और कैशियर को बोलती है कि भैया मुझे केवल 50 और 100 का नोट चाहिए, उसको चिल्लर चाहिए थी एक्चुअली, ठीक है, तो 50 और 100 का नोट ही चाहिए, तो टोटल 50 और 100 का नोट मिला के उसे 25 नोट मिले।
अब हमको पता नहीं कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले उसको, तो हमको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। आया समझ में? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट, तो हम मान लेते हैं लेट टोटल 50 रुपीज नोट्स आर एक्स, 50 रुपीज कितने नोट है एक्स है, और टोटल 100 रुपीज के कितने नोट हैं ये वाई हैं। एक्स मिले 50 नोट, 50 के नोट्स एक्स मिले, 100 के नोट्स वाई मिले, और दोनों नोट मिला के कितना हो रहा है देखिए यहाँ लिखा 25 नोट है उसके पास टोटल। तो इससे एक इक्वेशन तो बन गया पहला है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा आप कैसे बनाए इक्वेशन देखिए, जितने 25 नोट हैं उनका टोटल सम कितना है 2000 है, 2000 रुपये टोटल मिले। तो 50 के अगर एक नोट है तो 50 रुपये होंगे, 50 के अगर दो नोट हैं तो 2 × 50 यानी 100 रुपये होंगे, और 50 के अगर x नोट है तो x इंटू 50, और 100 के अगर y नोट है तो y इंटू 100। तो जो टोटल रुपीज हुआ 50 के कितने है? x है तो 50x प्लस 100y और पूरा मिला के होता है ये 2000। इससे बनेगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करें, ये इस इक्वेशन से ये लेफ्ट साइड से आप 50 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 50 निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 2y, इधर 2000 ऐसे ही रहेगा, ये 50 को यहाँ 2000 के नीचे डिवाइड कर दो, तो x प्लस 2y 2000 अपॉन 50, एक जीरो तो कट गया और ये कट गया, 5 × 4 = 20 and 5 × 0 = 0, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 40। ठीक है, तो ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ और एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू निकालने के लिए, तो x प्लस y इज इक्वल टू 25, और x मैं सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख रहा हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 40 लिख लेते हैं, एंड x प्लस y इज इक्वल टू 25। इसको ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए हम क्या कर सकते हैं, x और x का कोफिशेंट इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, तो x तो कट गया, 2y एंड माइनस वाई ये हो गया y, एंड 40 माइनस 25 ये हो गया 15। तो y की वैल्यू आ रही 15, मतलब 100 के 15 नोट मिले, जो 100 के नोट हैं ये इसको 15 मिले, तो 50 के कितने नोट मिले इस इक्वेशन में आप रख दो, तो x प्लस वाई हो गया 15, इधर 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, और x हो गया 15, ये आ गया 10, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है। तो अब देखिए 50 के जो नोट हैं उसके पास है 10, और जो 100 के नोट हैं वो 15 है, तो 100 के अगर 15 नोट हुए तो 1500 तो यही हो गया, और 50 के 10 नोट है तो 500, 1500 प्लस 500 2000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें क्या दिया है, अ लंडन लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है जिससे हम बुक को ले सकते हैं किराए पे, तो इसमें क्या है, इसमें एक फिक्स्ड चार्ज है 3 दिन के लिए। मान लेते हैं किसी एक लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है 10 रुपये, फिक्स्ड चार्ज ये है 10 रुपये, तो पहले 3 दिन तक तो 10 रुपये लगेगा, चाहे 3 दिन रखो, चाहे 1 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, 10 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 3 दिन के अलावा भी एक्स्ट्रा रख लिया तो हर दिन का आपको चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा 3 दिन के बाद। मान लेते हैं 3 दिन के बाद जो हर दिन का चार्ज है, पर डे चार्ज मान लो 5 रुपये है, तो यदि आप अगर 4 दिन बाद वापस करेंगे तो 4 दिन में से 3 दिन का तो 10 रुपये लगेगा और चौथे दिन का 5 रुपये लगेगा, तो टोटल कितना देना पड़ेगा 4 दिन के बाद, 15 रुपये किराया देना पड़ेगा बुक का। आया समझ में? तो इसी तरह से लाइब्रेरी काम करती है, एक फिक्स चार्ज लेती है, एक वेरिएबल चार्ज लेती है पर डे का, जितना लेट होंगे उतना लेट चार्ज लगता है, तो यहाँ पे भी वही है। अब आपको कितना लेट चार्ज है, कितना पर डे का चार्ज नहीं मालूम है, तो देखिए हम मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको हमने मान लिया x, और जो पर डे का चार्ज है 3 दिन के बाद उसको मान लेते y, एंड पर डे चार्ज बी y, तो फिक्स्ड चार्ज है x और पर डे का चार्ज है y। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है सरिता
जिसको 27 रुपए देने पड़ते हैं, कितने दिन के? 7 दिन के। 7 दिन के 27 रुपए, देखिए 7 दिन, 7 दिन में से जिसमें 3 दिन तो आपको केवल उसको केवल फिक्स चार्ज लगेगा, 3 दिन के अलावा जो 4 दिन है इस पर डे वाला चार्ज लगेगा। तो 3 दिन का कितना चार्ज हो गया? फिक्स चार्ज हो गया एक्स, और 4 दिन का कितना चार्ज हो गया? पर डे का अगर वाई है तो 4 दिन का 4y, और दिस इज इक्वल टू कितना देना पड़ा उसको? 27। और ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी एक स्टूडेंट है, कहाँ गया, सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सूजी ने क्या किया? 5 दिन बुक को रखा। अब 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा और 2 दिन उसको पर डे का लगेगा, तो 3 दिन का चार्ज कितना हो गया? फिक्स चार्ज x, और 2 दिन का चार्ज कितना हो गया? 2y, और इसको कितना देना पड़ा? इसको देना पड़ा 21, तो इसका कॉस्ट हो गया 21, और ये बन गया इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, देखिए एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और यह है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21। अब दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये x कट जाएगा, 4y माइनस 2y तो ये बचा 2y, और इधर 27 माइनस 21 करेंगे तो ये हो गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/2, और ये हो गया 3, 2 3 जो 6 होता है, तो y आ रहा है 3, और x की वैल्यू आपको निकालना है तो आप इसी इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू, x प्लस y की जगह आपको रखना है 3, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 27, और x इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 3 × 4 = 12, और इधर 27, ये 12 को इधर लाके माइनस करना है 27 से, तो 27 माइनस 12 करेंगे तो ये कितना हो गया? 1 × 5 = 15। तो देखिए x है 15, 15 जो है ये फिक्स चार्ज है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है 15, और y है यानी पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज है ये 3। ठीक है, तो इसके साथ, ये क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे कैसे 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।